नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करेंगे टॉप ट्रेन एग्री कमोडिटी के साथ। एग्री मार्केट में किस तरह का हलचल देखने को मिल रहा है। जीरे में कल 6% का ऊपरी सर्किट पे जीरा बंद हुआ था, लोअर लेवल पे बाइंग लौटी थी और आज शुरुआती कारोबार में शुरुआती 3-4 मिनटों में ही जीरा आज 4% ऊपर है। कल 6% आज 4%, यानी दो दिनों में 10% की तेजी आ चुकी है। 32,500 रुपए के ऊपर जीरा। धनिया कल करीब 3% की गिरावट दिखी थी और आज करीब 1% की तेजी दिख रही है, 6,900 के आसपास। हल्दी की बात करें तो यहां पर मुनाफा वसूली है, आज दायरे में कारोबार हो रहा है 13,700 के आसपास, लेकिन धनिया अब 6,900 के ऊपर पहुंच चुका है। कल की गिरावट 3% थी लेकिन आज लोअर लेवल पे बाइंग से यहां पर भाव में हल्की तेजी दिख रही है। बात करते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो 10,200 के आसपास है। एक्सपोर्ट मांग में सुधार हुआ है, जो नंबर्स दिसंबर के वो बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जल्द ये नंबर आंकड़े जारी होंगे। ग्वार सीड की बात करें तो ये 5,300 के आसपास है, कल गिरावट दिखी थी लेकिन आज यहां पर हल्की तेजी दिख रही है। और जो खबर है मंडियों से ग्वार सीड को लेकर कि वहां पर अराइवल्स अब धीरे धीरे काफी कम हो रहे हैं, सप्लाई कम है लेकिन उसके बाद भी उस तरह की तेजी अब तक नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं कैस्टर को लेकर, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है लेकिन हाजिर की जो मांग है वो बेहतर है, इसे गिरावट नहीं आ रही है। 5,700 के आसपास कैस्टर का भाव यहां पर ट्रेड कर रहा है। सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें NCDX पर तो वो 812 रुपए के आसपास है, कल गिरावट दिखी थी आज दायरे में है। तो यहाँ पर अगर नरमी देखें, हाल के लेवल से देखें तो काफ़ी नीचे भाव अब आ चुका है। अब बात करते हैं कॉटन केक और MCX कॉटन की। NCDX कॉटन केक 2700 के आसपास है, हल्की नरमी दिख रही है। वहीं MCX कॉटन की बात करें तो 56,200 रुपये प्रति कैंडी का भाव है। बिल्कुल सपाट कारोबार है, तेजी लौट ही नहीं रही है क्योंकि डिमांड काफ़ी कमज़ोर है। आखिरी मेंथा ऑयल में, जहां पर सब मार्केट में सप्लाई घटी है, सपोर्ट भी मिल रहा है लेकिन उस तरह की तेजी भाव में नहीं दिख रही है। 920 के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल का वायदा है। तो ये टॉप 10 एग्री कमोडिटीज हैं। अपने मेहमान को भी शामिल करते हैं शो में, हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी से वीरेन वकील साहब है। वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे जीरे पर होगा। सर, जीरे में दो दिनों में अच्छी रिकवरी आई है, जिस तरह के लॉस्ट ग्राउंड को वापस से लेने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है ये रिकवरी टिकेगी? आपको क्या लगता है जीरे को लेकर? थोड़ा वेदर कंसर्न के हिसाब से ये रिबाउंड आया है कि आजकल मीन्स 5-6-7-3 तारीख को गुजरात में सीजनल अनसीजनल रेन की बात है, तो उसके हिसाब से थोड़ा कंसर्न बना हुआ है सेंटिमेंट का। कुछ चाइना री ओपन होगा अब ये नए साल के हिसाब से, थोड़ी वहाँ की भी डिमांड है। और चार्ट के हिसाब से अगर बात करूँ तो एक विंडो जिसको जापानीज कैंडलस्टिक में बोलते हैं, वो करीबन एक विंडो 32,000 पे है, दूसरी 39,000-40,000 पे है। तो प्रोबेबली ये दो में से एक लेवल शायद अगले 8-10 सेशन में शायद आ सकता है। तो जीरे को लेकर ये व्यू वीरेन जी का है। धनिया को लेकर क्या लग रहा है? धनिया उस तरह के फंडामेंटल्स इतने कमजोर नहीं है वीरेन जी, जितनी गिरावट आ गई है धनिया में, क्या ये जीरे की वजह से जो सेंटिमेंट कमजोर हुआ है उसका असर है, या वाकई स्टॉकिस्ट और किसानों के पास माल काफी ज्यादा है इसलिए धनिया के भाव नीचे आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? धनिया का थोड़ा इफेक्ट धनिया में ये रेड सी डिस्टर्बेशन का है, जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती है वो थोड़ी थमी हुई है। ब्लैक सी में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बट धनिया की बुआई काफी कम रही क्योंकि काफी सारी जमीन जीरा में शिफ्ट हो गई दामों की वजह से। तो मेरे हिसाब से अभी जो धनिया में हम देख रहे हैं वो डिस्ट्रेस सेलिंग देख रहे हैं, मीन्स जो डिसअपॉइंटेड स्टॉकिस्ट है या वो लोग शायद बेच रहे हैं। आगे ये सेटअप थोड़ा अच्छा है, और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई अगर लॉन्ग टर्म तेजी है तो पहले निकलते सीजन में अगर मार्केट कमजोर हो जाता है तो आगे वो अच्छी और संगीन तेजी का वो नींव बनता है। को यहां से बेहतर दिख रहा है। हल्दी लग रहा था कि ये मजबूत काउंटर है लेकिन कल यहां पर भी गिरावट दिखी थी, आज बहुत ही सपाट कारोबार हो रहा है, 14,000 के नीचे है हल्दी का वायदा, क्या लग रहा है खरीदारी के लिए सही समय है क्या हल्दी में? हल्दी में अभी भी थोड़ा रुकावट करना चाहिए। यहाँ टेक्निकली देखें तो फिजिकल लेके फ्यूचर्स सेल करने में कैश कैरी आर्बिट्रेज डिसेंट है, 15-16% का बनता है। तो जो प्रॉप डेस्क है वो ये काम कर रहे हैं, और कुछ HNIs जो होते हैं जो लो रिस्क ट्रेड प्रेफर करते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। बाय एंड होल्ड में इसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी है, तो मैं
फिलहाल अवॉइड करूंगा। ग्वारसीड और ग्वार गम, बीरेन जी ये दो काउंटर आपको कैसे दिख रहे हैं, क्या लग रहा है ग्वारसीड और ग्वार गम में आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए बीरेन जी यहाँ से? एक हिसाब से ये सर्कुलर काउंटर है जो इंटरसिटी ट्रेन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। 5358 या तो 5562 दो रेंज बनी हुई है, तो 58 और 62 है वो सेलिंग जोन है, वहाँ सप्लाई आता है, सेलिंग आती है, और 53 और 55 ये लेवल पे थोड़ी बार्गेन आती है। कोई बड़ी तेजी मंदी फिलहाल नहीं दिख रहा हूँ, बट फेब्रुआरी ऑनवर्ड्स या मार्च ऑनवर्ड्स नए साल का अल्विनो या मानसून वो फॉरवर्ड में मार्केट डिस्काउंट करना शुरू करेगा, तो तब शायद कुछ हम इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखेंगे। कॉटन और कॉटन केक भी काफी दिनों से सुस्त चाल यहाँ पर दिख रहा है, काफी गिरावट के बाद भी बहुत खरीदारी आने रही है। बीरेन जी क्या लग रहा है कॉटन और कॉटन केक, इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? कॉटन केक में जो पर्टिकुलर चिंता है वो डिमांड साइड की है, क्योंकि बहुत से ऑल्टरनेटिव्स ब्रांडेड कैटल फेड दूसरे खल सस्ते है थोड़े, उसकी थोड़ी इफेक्ट है। किसानों का जो फेड के दाम मिल रहा है वो भी इतने रिम्यूनरेटिव नहीं है, तो इसके कारण ये काउंटर नहीं चल पा रहा है। फसल तो यहाँ कम है कॉटन की, लेकिन वो अभी प्राइस में डिस्काउंट नहीं हुआ। और कॉटन की अगर बात करें तो यहाँ फ्यूचर्स में वॉल्यूम काफ़ी कम है, चाइना थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट अभी भी फाइनेंशियल क्रंच काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे बड़ा यार्न मार्केट कमजोर है, तो जब तक यार्न में कोई रिकवरी नहीं आएगी तब इसमें टर्न अराउंड का गुंजाइश कम है। अब फटाफट से बीरेन जी 10-10 सेकंड में आपसे नॉन एग्री की 3 कॉल लूंगा, गोल्ड और सिल्वर क्या करें आज? गोल्ड में सेल कर सकते हैं 62,800 के आसपास, 63,300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, डाउन साइड ऑब्जेक्टिव थोड़ा लंबा है 62,100 और 61,800, 3-4 दिन का ये व्यू है मेरा। गोल्ड सेल करने की सलाह बीरेन जी की तरफ से। क्रूड में क्या करना चाहिए बीरेन जी आज? क्रूड में टेम्पररी हल्का सा बाउंस शायद आ सकता है, यहाँ पे 1800 के आसपास बाई किया जा सकता है, टारगेट रहेगा 5950, स्टॉप लॉस रहेगा 5700। कॉपर क्या लग रहा है, कॉपर दिन के दौरान क्या यहाँ पे तेजी बढ़ेगी, क्या करना चाहिए, किस साइड की ट्रेडिंग रणनीति बनाए कॉपर में? कॉपर में करंट लेवल से सेल किया जा सकता है, ये धीरे धीरे स्टिल बेयर मार्केट है, मीन्स धीरे धीरे मंदी आएगी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बेहद कमजोर है। ओके, शुक्रिया बीरेन जी, आपने वक्त निकाला फटाफट से, टॉप 10 कमोडिटी बता दी, टॉप ट्रेड भी आपने बता दी कि कहाँ आपको क्या करना चाहिए। तो कमोडिटी 10:10 में इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट के कवरेज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।